नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुकुल। एक बार फिर आप सभी लोग का आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निबंध लेखन की। हिंदी में निबंध को कैसे लिखा जाए, जो आपको पता है कि टायर 2 का आपका SSC MTS और CHSL का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, तो उसके अंदर निबंध बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। इसके पहले इस चैनल पर आपको तैयारी कराई जा रही है, तो मैंने आपको लेटर के तरीके बताए, फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे निबंध लेखन की। निबंध लेखन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, कैसे आप अपने निबंध को सुंदर लिख सकते हो, कैसे आप अपने निबंध को प्रभावशाली बना सकते हो कि आपको 50 में से करीबन 45 से लेकर 48 नंबर मिल जाएँ, तो उनका क्या क्या तरीका होता है। और साथ ही साथ मैंने आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करी थी, बहुत सारे लोगों ने बोला था प्लीज़ हमको बुक बनाइए, तो बुक भी आप ले लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है। 2 बुक्स आपकी हिंदी की और 2 ही बुक्स आपकी इंग्लिश की है। जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, जिसकी लैंग्वेज हिंदी है, तो आप ले सकते हैं। उसके अंदर आपको ऐसे भी दिया है, निबंध भी दिया है, साथ ही साथ में पत्र लेखन या लेटर राइटिंग भी दी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही, वहाँ से आप परचेज़ कर लीजिए। करीबन 100-125 रुपए की बुक्स हैं, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन आप ले लें तो आपकी फ्यूचर के लिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव टायर 2 कितना इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप अभी हल्के में ले रहे हैं। जो लोग ये सोचते हैं बहुत हल्के में लेते हैं ना, तो वो हल्के में रह जाएंगे फिर। मेरा बोलना यही है, क्योंकि जो टायर 2 है ना, बिल्कुल एक गेम चेंजर साबित होता है। अगर आप टायर 2 में फेल हो गए तो बिल्कुल आउट हैं, बात नंबर 2। अगर टायर 1 में लोगों के नंबर सेम हो जाएंगे तो उनका डिसाइड टायर 2 ही करता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जब ऊपर की फाइनल की टॉप मेरिट लिस्ट जोड़ी जाती है ना, तो बहुत से मैक्सिमम ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके नंबर बराबर होते हैं, तो उनके बीच में टाई का जो निर्धारण कौन करता है, टायर 2 करता है। जिसके नंबर टायर 2 में ज़्यादा वही सिलेक्ट होता है और बाद दूसरा वाला चलता बनता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको यहाँ पर नॉलेज मिलता है तो फिर आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। तो शुरू करते हैं। देखिए, MTS और CHSL दोनों के अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव आएगा, तो एक बार ड्राफ्ट आइडिया ले लेते हैं। 50 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, टाइम आपको 30 मिनट का मिलेगा, और लेंथ आपकी ऐसे और लेटर की, ऐसे की 200 से 250 वर्ड में रहेगी, और लेटर की आपकी 125 से 150 वर्ड में रहेगी। और लैंग्वेज आपकी MTS के लिए इंग्लिश, हिंदी या संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषा है वो, और साथ में CHSL में क्या होगा, ओनली इंग्लिश या फिर हिंदी। ठीक है, जो मैंने इसमें 50/100 का रखा, यानी 100 मार्क्स का आपका CHSL में होता है, 60 मिनट आपको वहाँ टाइम मिलता है, तो वहाँ थोड़ा सा आप, क्योंकि वो 10+2 लेवल हो जाता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा समय दिया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले निबंध समझेंगे, निबंध क्या है। देखिए, निबंध गद्य लेखन की एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक अपने विचारों को सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से पाठकों के सामने रखता है। यानी यह एक ऐसी कला है जिसमें आप अपने थॉट्स, आप अपने विचारों को, आप अपनी एनालाइजिंग, विश्लेषण करने की क्षमता को लेखक के सामने रखते हैं, सॉरी पाठकों के सामने रखते हैं, कि जो पाठक पढ़ेगा उसको ये लग जाएगा, हाँ भाई, आपकी सोचने समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, आपकी विश्लेषण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। यह एक ऐसी रचना होती जो जिसमें जो आप लेखक अपने विचार को क्रमबद्ध तरीके से लिखता है, ठीक है, इसको निबंध बोलते हैं हम। थेरेफ्टर निबंध के प्रकार, देखिए निबंध के 4 प्रकार होते हैं। एक तो वर्णनात्मक, इस प्रकार के निबंधों में किसी स्थान, त्यौहार, प्राकृतिक दृश्य, यात्रा, घटना आदि का वर्णन किया जाता है। दूसरा आता आपका विवरणात्मक, इस प्रकार के निबंध में किसी विशेष घटना, संस्मरण, काल्पनिक घटनाओं आदि, इन सबका विवरण किया जाता है, ठीक है। फिर थर्ड आपका भावात्मक आता है, तो ऐसे निबंधों में आपने देखा होगा ना, ये मन के जो भाव आते हैं, जैसे आलोचना है, क्रोध है, प्रेम है, इस प्रकार का किसी निबंध में लिखा जाता है ना, तो वो भावात्मक होते हैं। फिर थर्ड आता है आपका विचारात्मक, इस प्रकार के निबंधों में आपने विचार, सबसे महत्वपूर्ण जो आपका होता है वो आपका विचारात्मक होता है, तो इस प्रकार के उस जो निबंध में क्या होता है कि विचार और तर्कों की प्रधानता रहती है। साहित्य, समाज, दर्शन आदि के विषयों में लिखने वाले दृष्टिकोण में ये निबंध आपके आते हैं। तो आपके टाइप्स कवर हो गए, 4 टाइप के, ठीक है। तो इनमें से जो मेन आपका है विचारात्मक है, ठीक है, और वर्णनात्मक है, यही 2 आते हैं, बाकी तो शायद नहीं आता फिलहाल। फिर नेक्स्ट में आप निबंध देख लीजिए। निबंध को हम अगर देखें तो हम 3 भागों में बांट सकते हैं एक अच्छे निबंध को लिखने के लिए, ठीक है। अगर आप एक अच्छा, तो उसकी 3 भागों में आप उसको बांट सकते हो। सबसे पहले आरंभ, जिसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं, फिर आपका मध्य भाग, जिसको हम बॉडी बोलते हैं, और फिर लास्ट में आपका आ जाएगा उपसंहार, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्क्लूजन। 3 भागों में आप निबंध को बिल्कुल कर सकते हो, फर्स्ट बॉडी, सेकंड बॉडी और थर्ड बॉडी। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका निबंध बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और काफ़ी ज़्यादा देखने में सुंदर लगेगा। जो आपको एग्जामिनर है वो उसके ऊपर एक प्रभाव डालेगा। हमको यही चाहिए कि एग्जामिनर, अभी मैं आगे बोलूँगा कि क्या क्या विशेषताएँ होनी चाहिए निबंध की। देखिए, अच्छे निबंध के लिए विशेषता क्या होनी चाहिए, अच्छे निबंध की विशेषता ये होती है कि सबसे पहले तो उसकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, यानी पढ़ने वाले को समझ में आना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हो। समझ रहे हो बात को, इतना जटिल आप मत लिख दो, इतने जटिल शब्दों का प्रयोग मत करिए आपकी, अगले को समझ ही ना आए कि है क्या ये,
कन्फ्यूजिंग सी स्थिति पैदा हो जाए, यानी अपनी भाषा को सरल और स्पष्ट होनी चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए। वर्तनी यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही लिखा होना चाहिए। हिंदी भी काफ़ी टफ है, आप मजाक मत मानिए, हिंदी को बड़ा ईजी मत लिए। हिंदी के अंदर भी सही शब्दों को लिखना बहुत ज़्यादा, काफ़ी लोग गलत शब्दों को लिखते हैं, तो उनका निरंतर जब आप अभ्यास करेंगे तो ही आपकी राइटिंग सुधरेगी और साथ ही साथ आपका क्या होगा, इस प्रकार की जो लिखने की आपकी आदत पड़ेगी। थर्ड क्या होगी, शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए आपको। जैसे मैंने बताया कि 150 से लेके 250 वर्ड के बीच में होता है, तो डेफिनेटली इस चीज़ को याद रखिएगा, आप 250 का 20% ऊपर हो सकता है, यानी 300 तक चल सकता है। अगर आपने 250 का 500 वर्ड बना दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे। देखिए, जो आपकी लिमिट होती ना करके, उस लिमिट से ज़्यादा और उस लिमिट से कम, दोनों ही हिस्सों में आपकी नंबर कट जाते हैं, तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कोई उपयुक्त कथन याद हो तो उसे यथास्थान जोड़ देना चाहिए। यदि आप किसी निबंध को लिख रहे हो तो उसको आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए अगर आपको कोई समसामयिक घटना याद है तो आप निश्चित तौर से उसको जोड़ दीजिए। फिर उसके बाद में लिखने के बाद उसे पढ़िए और उसमें सुधार कीजिए। भाषा संबंधी त्रुटियों को दूर करिए। विचारों की पुनरावृत्ति, अगर कोई एक थॉट्स आप दे चुके हो तो बार बार उसी थॉट्स को रिपीट करने से आप बचिए, ठीक है। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। साथ में देखिए, जब आप, अब मैं आपको बताऊंगा, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब आप जाएंगे तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपको आधे घंटे मिलते हैं, आधे घंटे के अंदर आप क्या करिए, पहले तो 2-3 मिनट आप दीजिए, जो आपको पांच लेटर मिलेंगे और पाँच ही आपको ऐसे मिलेंगे, तो उन 5 लेटर में से आप 2 मिनट का समय दीजिए। 2 मिनट में ये डिसाइड करिए, तो 2 मिनट में आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से 5 निबंधों में सबसे बढ़िया निबंध आता है, ठीक है। सोचिए एक बार, थोड़ा 2 मिनट का समय दीजिए कि भैया ये 5 टॉपिक मुझे दिए गए हैं, 5 में से मुझे सबसे बढ़िया टॉपिक पे ज्ञान किसका है। अब आपने 2 मिनट में सिलेक्ट कर लिया, चलो ठीक है 5 में मुझे ये करना है। देर आफ्टर क्या करेंगे, जब वो आपको एक सिलेक्ट कर लें, उस टॉपिक को आप 5 से लेके 10 मिनट दीजिए। 5 से लेके 10 मिनट क्या है, उसके बारे में थॉट्स सोचिए, फिर उसको एक रफ पेपर के ऊपर लिखिए, एक ड्राफ्ट आउटलाइन बनाइए, एक ढांचा बनाइए निबंध का, ठीक है, कि पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में लिखिए। पहला पार्ट छोटा होना चाहिए, बीच का पार्ट जिसमें डिस्क्रिप्शन आप करेंगे उस पार्ट को थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, और सबसे लास्ट में आप जब सारांश देंगे, जब उसको समाप्त करेंगे, वो छोटा होना चाहिए। जब ये आप तीनों आप ऐसे कर लेंगे, एक ड्राफ्ट ढांचा बना लेंगे, फिर उसके बाद उस निबंध को दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, फिर उसके बाद आप ये देखिए कि कौन सा सेंटेंस आपको आगे लाना चाहिए, कौन सा सेंटेंस आपको पीछे लाना चाहिए। तो इस प्रकार से जब आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको फिर पढ़ने में जब आप एक फ़्लो होना चाहिए, ठीक है, कि आगे पीछे आगे आ रहा है फिर पीछे आ रहा है, ऐसे करके एक फ़्लो आपका बनना चाहिए। जब आप जो सेंटेंस आपको लगे नहीं इसको आगे आना चाहिए, इसको पीछे आना चाहिए, तो उसको आगे पीछे आप काट छांट के कर लीजिए, ठीक है। तो ये आप शुरुआत के 15 मिनट में ये सारी चीज़ कि फर्स्ट में कौन सा टॉपिक पे निबंध लिखना है, किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा आपको आता है, फिर उसके बाद बात नंबर 2 कि उसकी ड्राफ्ट आउटलाइन बनाइए, फिर उसको 2-3 बार निबंध को पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार ये सेंटेंस मैंने पहले लिख दिया, ये सेंटेंस मैंने बाद लिख दिया, इसको आगे करो, इसको पीछे करो, ऐसे करके कौन सा थोड़ा और प्रभावशाली सेंटेंस बनाइए। छोटे छोटे सेंटेंसों में आप लिखिए, जिससे कि अगले को भी समझ में आएगा, आपको भी आसानी रहेगी। जब ऐसे करके आप पूरी बॉडी बना लेंगे, 15 मिनट आप अपना देख लीजिए, फिर उसके बाद 15 मिनट के बाद में वो आप पूरा का पूरा फेयर कर दीजिए। आप अगर 15 मिनट में क्या आप 250 वर्ड नहीं लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर लिख सकते हैं, और नहीं है तो डेली आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इस प्रकार से आप करेंगे तो डेफिनेटली परीक्षा में कभी भी आप मार नहीं खा सकते और 100% आपका निबंध इफेक्टिव रहेगा। अगर आप गए परीक्षा के अंदर, आपने सोचा निबंध लिया, तुरंत लिखना शुरू कर दिया, तो क्या होगा पता है, हो सकता है कि बहुत आप इंटेलिजेंट हो, मैं 1-2% की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनका IQ लेवल बहुत फास्ट होता है मैं उनकी बात नहीं करता, मैं उसके अलावा मैं 99% आदमियों की बात ये करता हूँ कि आप करोगे एक सेंटेंस लिख दोगे, एक सेंटेंस यहाँ गया, फिर आपको याद आएगा अरे ये भी मैं भूल गया, फिर आप फिर उसको शुरू करोगे, फिर आप करोगे, हो सकता है आपको कुछ गलत आ जाए, आप काट छांट करोगे, तो काट छांट नहीं करना है आपको, अच्छी राइटिंग में लिखना, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टेप क्या करना है। सबसे पहले अपने विषय के बारे में, जो मैंने आपको बताया, अपने विषय के बारे में चयन करें, अपने आइडियाज़ के बारे में सोचें, रिसर्च करें, टॉपिक फाइंड द मेन आइडिया, टॉपिक के बारे में सोचें, उसका मेन आइडिया फाइंड करें, एक फ्रेमवर्क खींच दें, रिवाइज करें अपने एसे को, फाइनल टच दें, मेक डे, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी सारी, इंक्लूड इसके अंदर हो गई। फिर देखिए, डेली प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, घर के अंदर डेली अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। अगर आप करेंगे तो ही आप बोलते हैं, जितना मेहनत करोगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही सफलता
आपके कदम चूमेंगे, उतना ही ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे, उतनी ज़्यादा तेज़ी से आप लिख सकेंगे, सुंदर लिख सकेंगे, ठीक है। फिर नए आइडियाज़ कहाँ से आएंगे? तो भाई उसके लिए तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़िए, एडिटोरियल में जो नहीं संपादकीय आता उसको पढ़िए, उससे आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे। और लगातार पढ़ते रहिए, जितना आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको, देखिए थोड़ा सा मेहनत, किसी गोल को प्राप्त करने के लिए आपका अगर लक्ष्य MTS है तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, थोड़ा 2 घंटे ज़्यादा पढ़ लीजिए, तो उससे आपको ही बेनिफिट है, ठीक है। जितना आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप एलोबोरेट कर सकते हो, किसी के साथ में डिस्कस कर सकते हो। नहीं तो आज के टाइम पे मैं क्या देखता हूँ, ये बुरा मानने वाली चीज़ नहीं, ये हकीकत में लड़कों में आदत है, अगर कोई बुद्धिजीवी वर्ग खड़ा, मतलब कि जहाँ पर डिस्कशन एक अच्छी चीज़ों की हो रही, लोग वहाँ से कटना शुरू कर देते हैं। लोगों की एक अपनी संगत होती है, बस यही फालतू की चीज़ें इधर उधर की। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे, खासतौर से आप न्यूज़पेपर में एडिटोरियल संपादकीय पढ़िए, तो जहाँ 4 लोग खड़े हैं वहाँ अगर आप अपनी बात रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी बात की इज्जत होगी, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो ये थॉट्स आपके ऐसे ही आते हैं दोस्तों, ठीक है। और ऐसे नहीं होते सोच लिए किताबों में आपने पढ़ लिए, जब तक पढ़ोगे, सोचोगे, एलोबोरेट करोगे, थोड़ा न्यूज़ देखिए, इनसे आपको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, जो लोग ऐसे का सिलेक्शन करना चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए, फिर भी कोई आपको डाउट होते, कोई परेशानी होती, बुक्स मैंने आपको सजेस्ट की हैं, बुक्स आप ले लीजिए, उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और कोई भी आगे दिक्कत परेशानी होती है तो मैं तो हाज़िर हूँ ही, मेरे को कभी भी किसी भी मौके पर आप कर दिए, डेफिनेटली मैं आपका जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।